हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे जो है साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए काम है। फिलहाल तो इसको जो है प्रयोगशाला जो है परिचारक के लिए सेशन को चलाई जा रही है, जिसमें वेटेज देखेंगे 60 नंबर से क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है जी। 60 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन अन्य से पूछा जाएगा, ठीक है। ये सभी कंप्यूटर एग्जाम के लिए काम आएगा। साइंस का पोर्शन है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, ठीक है। और ये जो है एसएससी रेलवे यूपीएससी कोई भी स्टेट का सिविल सर्विस पुलिस कॉन्स्टेबल अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा। सभी कंटेंट आपके बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं। यहाँ से जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपके यूपीएससी तक के क्वेश्चन में आपका पूछा है। हर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया नहीं। हर एग्जाम को जो है यहाँ पे जो है डाला गया है कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। तो पिछले सेशन में हम 50 क्वेश्चन कवर किए थे, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हर कंप्यूटर एग्जाम के लिए आएगा और क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा है उसको भी जो मेंशन किया गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, तो हम देखे थे आपका जो है व्हेल मछली। व्हेल मछली आप सभी को पता होगा, ये जो है सबसे बड़ा स्तनपाई जो है, ठीक है। व्हेल मछली स्तनपाई है सबसे बड़ा, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। यूपीपीसीएस जी पेपर जीएस में क्वेश्चन आया हो। चलिए आप यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज का जो है 51 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन जो है एक मछली है, समुद्री कुकम्बर, खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या समुद्री बाघ, कौन सा एक जो है मछली की एक प्रजाति है। तो आपका जो समुद्री घोड़ा होता है, ठीक है, ये सी ऑप्शन, ये आपका जो बिहार पीएससी प्री में जीएस में पूछा गया, तो आपका समुद्री घोड़ा एक जो है मछली की प्रजाति है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पूछा गया है, रिपीट भी बहुत बार रिपीट हुआ, ठीक है। तो मछलियाँ सामान्यतः श्वसन या जो है मछली कहाँ से जो है सांस लेता है, त्वचा से, नाक से, गलफड़ों से या आपका फिंस के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिए मछली कहाँ से जो है श्वसन क्रिया करता है या सांस लेती है, तो गलफड़ों, देखेंगे गलफड़ा होगा मछली, वहाँ से जो है ये सांस लेने का काम करता है। ये आपका यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, आप सभी को पता हो यूपीएससी, ठीक है, जो है आपका जो है सिविल सर्विस के एग्जाम जो कंडक्ट कराती है, भारत की सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम है, तो वहाँ भी क्वेश्चन आपके जो है पूछा गया, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 53 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जो है वास्तविक मीन है या जो मछली है, रजत मीन, क्रेफिश या आपका जेली फिश या कैट फिश, तो कैट फिश ये जो है एक वास्तविक मीन मछली है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपका जो है एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी जो है वास्तविक रूप से मछली है, स्टार फिश, जेली फिश, डार्क फिश या समुद्री घोड़ा। अभी देखें जो समुद्री घोड़ा ये जो है एक वास्तविक रूप से जो है मछली है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी जो है कैप के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम 55वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से जो है स्तनपाई है, शार्क, क्विड, ऑक्टोपस, वेल, तो आपका जो है यहाँ पे वेल हो जाएगा। वेल मछली एक जो है स्तनपाई है, ठीक है, आपको उत्तराखंड पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वेल, ठीक है, वेल जो मछली है जो है वेल जो स्तनपाई जीव है, तो निम्न में वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, आपके मत्स्य, स्तनपाई, सरीसृप या उभयचर। तो अभी बताया है ये जो है वेल जो है कौन से वर्ग के अंतर्गत ये जो प्राणी आती है, तो आपका स्तनपाई है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान प्री के पीसीएस के पेपर में आया हुआ है। गोल कृमि निमोनोड से होने वाला रोग कौन सा, या गोल कृमि जो है इससे होने वाला रोग, इसको निमोटोड भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका गोल कृमि लिख के आता है अधिकतर एग्जाम में देखेंगे, तो इससे कौन सा रोग होता है जी, फाइलेरिया, फ्लोरोसिस इन या पे इनसे फ्लाइटिस या आपका कुष्ठ रोग होता है, ठीक है, ये आपसे फाइलेरिया रोग होता है, याद रखिएगा। तो गोल कृमि या निमोटोड से होने वाला रोग आपका फाइलेरिया है, आपके यूपीएससी के पेपर में, सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वहाँ होता है आपका रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू या बिलार भालू, ठीक है, तो जो प्रायः भालू जो गलियों का तमाशा दिखाता है वहाँ आपको रीछ भालू होता है, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ है। सबसे बड़ा अकशेरुकी, ठीक है, सबसे बड़ा अकशेरुकी आपका है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल या आपका जेलीफिश, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका स्क्विड। याद रखिए स्क्विड जो है ये आपका जो है सबसे बड़ा जो है अकशेरुकी जो है जीव है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, आपका सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है।
चलिए 60 क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है, ऊँट में, जिराफ में, चूहा में या मछली में? ठीक है, तो आपका जो चूहा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, तो इनमें जो है पित्ताशय नहीं होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यूपी लोअर प्रीमियर क्वेश्चन आया है, 61 क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है, बंदर में, चीता में, तितली में या छिपकली में? ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए कि छिपकली में तो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते, बाकी बंदर, चीता, तितली में गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र छिपकली को छोड़ के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कहाँ क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये आपका MPPSC, ठीक है, MPPSC के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ देख सकते हैं, प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा, ठीक है, जॉ बोलते हैं इसको, हिला सकते हैं, कबूतर, तोता, गिद्ध या आपका गौरैया? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे तोता, तोता जिसको पैरट बोलते हैं, तो यह जो पक्षी जो है तोता या अपना ऊपरी जबड़ा जो है हिला सकता है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, छत्तीसगढ़ PCS प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक जो आपका जो तोता है, पक्षी है, ठीक है, ऊपरी जबड़ा जो है हिला सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा तोता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है, तो किन कीट के अंतर्गत प्रजाति कौन सी नहीं है, खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या आपका मच्छर? तो आपका मकड़ी ये जो है आपका जो है कीट नहीं है। ठीक है, बाकी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये जो है कीट के अंतर्गत आती है, मकड़ी को छोड़ के। तो UPSC में IAS के पेपर में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है कीट नहीं है, खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी हो जाएगा। ठीक, CGL में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मकड़ी ये जो है कीट के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित कौन सी कीट नहीं है, इसका भी आंसर मकड़ी हो जाएगा, आपका UPSC में आया हो। ठीक है, अलग अलग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे जो है रिपीट भी किया गया। ठीक है, SSC में भी आया है, UPSC में भी आया है, हर एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा जो है मैथुनोपरांत नर को मार देती है, या आपके ब्याग पतंग में, ड्रैगन फ्लाई में, मधुमक्खी में, मकड़ी में, गर्त मृता को जिसको पिट वाइपर बोलते हैं? ठीक है, तो ये जो है मकड़ी होते हैं, मकड़ी के लोग क्या करते हैं, ये जो मतलब ऐसा जीव है मकड़ी जो उन लोग जो है ये घटना जो इसमें पाई जाती है जिसमें जो है मादा जो है जो मैथुन के बाद ये जो है नर को जो है मार देती है, तो ये जो है मकड़ी में देखने को मिलती है। SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सील किस जाति का है, मछली, पक्षी, सरीसृप या स्तनपायी? ठीक है, तो सील किस जाति का है, तो ये आपका जो है स्तनपायी है, तो ये जो है SSC CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो जंतुओं में किस कौन सा जो जंतुओं में 3 प्रकोष्ठ वाला जो है हार्ट या हृदय होता है, बंदर में, मगर में, मछली में या मेंढक में? ठीक है, तो मेंढक इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऐसा जंतु है मेंढक जिसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय या हार्ट इसमें पाई जाती है। ठीक है, झारखंड PSC प्री में क्वेश्चन आया है, PCS प्री में झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है, ठीक है, ब्लड नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा में, तिलचट्टा में, केचुआ में या मछली में? ठीक है, तो कौन सा जीव है, तो आपका जो हाइड्रा का जो पौधा होता है, ठीक है, ये जीव है एक तरह का, इसमें जो है मतलब जो इसमें जीव नहीं होता है, बाकी जो है सांस ये जो है लेते हैं, हाइड्रा पौधा देखेंगे तालाब वगैरह में। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, छत्तीसगढ़ PCS प्री में क्वेश्चन आया होता है। जुगनू होता है एक मोलस्क कीट, तो जुगनू क्या होता है, ये आपका कीट की प्रजाति के अंतर्गत आती है, और जो है आपके SSC में क्वेश्चन पूछा गया है, CPO में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीमक को यह भी कहते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी या आपका श्याम चींटी? ठीक है, तो दीमक को ये इसको जो है लाल चींटी भी बोला जाता, सॉरी श्वेत चींटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दीमक जो है वाइट कलर का होता है, इसको श्वेत चींटी भी बोलते हैं, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। UPPCS प्री GS में क्वेश्चन आया हुआ है। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में या क्षारीय मृदा में? ठीक है, तो हेलोफाइट का जो पौधा होता है ये जो है अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मृदा में। ठीक है, राजस्थान जो है PSC में क्वेश्चन आया हुआ है। 73 क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है, जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन या चमगादड़? ठीक है, तो उड़ने वाला स्तनपायी जीव कौन सा है, आपका चमगादड़ है, डी ऑप्शन हो जाएगा। UPSC IAS प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 74 क्वेश्चन है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंधित होता है? ठीक, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में जो है लॉबस्टर संबंधित होता है, एरेक्निड्स का,
क्रस्टेशियंस का कीड़ा मकोड़े, या आपका जो है माइरोपार्ट्स, तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रस्टेशियंस। ठीक है, तो शरीर रचना के किस वर्ग में जो है लॉबस्टर संबंध होता है, तो क्रस्टेशियंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। UPPCS में आया हुआ है क्वेश्चन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, विषाणु, जीवाणु, या आपका माइकोप्लाज्मा है, या आपका बैक्टीरियोफेज, तो इसका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। तो ये सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में जो है समर्थ है, या जो है आपका जो है मतलब जो है विकास स्वयं जो है अपने आप से जो है स्वयं विकास भी और प्रजनन करने में जो है समर्थ होता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, BPSC में आया हुआ है। 76 क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीय उपभोक्ता हैं, या उपरोक्तों में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम जो है कौन से जो है उपभोक्ता हैं, तो हम जो है द्वितीय उपभोक्ता हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, UPSC IAS प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनों में। ठीक है, तो डॉल्फिन जो मछली है ये इसको जो है स्तन पाई में जो है रखा गया है, वर्गीकृत किया गया, अलग SCC CGL में आया हुआ है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि इसका रीजन होता है वे सांस नहीं ले पाते। ठीक है, आप सभी को पता है मछली जो है गलफड़ों के माध्यम से जो है सांस लेती हैं, अगर जल से बाहर आप निकालते हैं तो मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि जो है वे सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए। और UPSC में कैप के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एम्फीबिया बताता है। ठीक है, तो एम्फीबिया क्या बताता है, तो ये जो है जल और स्थल, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्फीबिया बताता है आपका, जल स्थल दोनों पर ही जो है रह सकने वाले पशुओं को कहा जाता है एम्फीबिया, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड PCS में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा जो समूह एक स्पीजी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, तो जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से जो संबंधित है, चीनी, अमेरिका, भारतीय और काले जो अफ्रीका, ये जो है जीवित प्राणी, ये जो है एक स्पीसीज से संबंधित है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान जो है आपका जो है पेपर में आया हुआ है, प्री के GS में। आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच का जो है योजक कड़ी है, उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सरीसर्प और जो आपका पक्षी, बी ऑप्शन याद रखिए। जो आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्ग प्राणियों के बीच योजक घड़ी है, तो सरीसृप या जो इसको जो है सांप या पक्षी के जो है प्राणियों के बीच जो इसको रखी गई है आर्कियोप्टेरिक्स को, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, UPSC CDS में आया हुआ है। वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविकी को दावा से जो है निकाला गया है, जहरीले छिपकली से, सर्प से, मेंढक से, या कीड़ों से, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा मेंढक। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने मेंढक को हाल ही में जो एक नई प्रतिजैविकी को दावा से इसको निकाला गया है, जहरीले मतलब जो है जहरीला मतलब जो है जीव नहीं है, ऐसा करके मेंढक को अलग किया गया। ठीक है, UPSC में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकड़ी कीट से भिन्न होती, तब मकड़ी जो है कीट से अलग है या भिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, इसमें 8 टांगे, 6, 10, 12 दिए हैं, लेकिन इसमें जो है 8 टांगे पाई जाती है, मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती है, इसलिए इसको जो है ये जो है भिन्न है इन सबों से। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, तो मकड़ी में 8 टांगे पाती, इसको आपको याद रखना है, SCC CGL में आया हुआ है। गर्म, अगला क्वेश्चन है, गर्म और रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को जो है यहाँ पे हमेशा एक से जो है बनाए रखते हैं। ठीक है, तो गर्म रुधिर जो गर्म ब्लड वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम जो टेम्परेचर को हमें एक से जो है बनाए रखते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, यूपी लेवर प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से कौन सा जो गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना, ग्रहण शक्ति के अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे, या ठोड़ी का बाहर निकलना। ठीक है, तो कौन सा गुण मनुष्य का अन्य सभी वानर गुणों से पृथक या अलग करता है, तो जानने की इच्छा प्रकट करना, ये जो है गुण जो है मनुष्य को अन्य जो सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, MPPSC में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो आपका जो मेंढक, याद रखिए मेंढक जो है अपने त्वचा से सांस लेता है, और छत्तीसगढ़ PSC Pre में क्वेश्चन आया हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है,
तो आपका होता है मेंढक में, ठीक है। ये जो प्राणी में प्लाज्मा ब्लड जो है सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले, ठीक है, वाले जानवरों को श्रेणी में आता है, ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है आपका मेंढक और सर्प, ठीक है, मेंढक और सर्प इस जो है श्रेणी में आते हैं। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, सीजीएल में आया हुआ। अगला क्वेश्चन है मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, ठीक है, ये आपका सही है, कौन सा सही गलत ऐसे है, तो मेंढक कोल्ड ब्लड है एनिमल सही है, तो इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यूपीएससी एनडीए पेपर में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता, ठीक है, कौन सा जो पक्षी मतलब जो उड़ने वाला जीव है जो पक्षी के अंतर्गत जो है नहीं आता है, चमगादड़, कौवा, चील या तोता, इस इसी सीजल में आया है, तो चमगादड़ ये जो है आपका जो जीव जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ठीक है, बाकी कौवा चील सभी जानते हैं, तो इस इसी सीजल में आया हुआ है, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए आज का सेशन में यही तक रखते हैं, कैसे लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए, सभी सेशन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।